गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और आजकल बच्चों का स्कूल 9 बजे का टाइम हो गया है चेंज, क्योंकि सर्दियों के टाइम शुरू हो चुका है। गर्मियों में जैसे हम लोग 5 बजे उठते थे, आजकल हम 6 बजे उठ रहे हैं, थोड़ा लेट ही उठ रहे हैं। और अभी मैं यहाँ पर ब्रश कर रही हूँ और यहाँ पर ननद भी उठ चुकी है और अभी ये नाश्ते की तैयारी वगैरह करेगी। अभी यहाँ पे मैं मुंह धो रही हूँ। दोस्तों ज़्यादातर ये सारे काम है, हेल्प ये मेरी करती है, मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ घर का, तो छोटे मोटे जो काम रहते हैं मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि जितना मुझसे हो सकता है मैं उतने काम कर देती हूँ। जैसे जो छोटे छोटे काम रहते हैं घर में, जो किचन में छोटे छोटे काम रहते हैं, उस कामों में मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए टावल भी टंगा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे इजीली मतलब आराम से मैं टावल वगैरह निकाल लेती हूँ और इतनी दिक्कत नहीं होती है मुझे। और यहाँ पे मैंने अभी पानी रखा हुआ है गर्म करने के लिए, तो मैं 1 गिलास गुनगुना पानी पीऊँगी, क्योंकि गुनगुना पानी 1 गिलास हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, मॉर्निंग में ज़रूर पीना चाहिए सबको। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ, जितनी एक्सरसाइज मुझसे हो सकती है मैं खुद से कर लेती हूँ, बाकी सब मेरी ननद ही मेरी एक्सरसाइज करती है, क्योंकि खुद से कुछ कुछ एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, खुद से नहीं हो पाती है क्योंकि बैक पेन होने लग जाता है। और अभी ये आ गई है तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज करा रही है मेरी। तो दोस्तों ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसे हैं तो मतलब कैसे कर पाएंगे, कि हम लोग लाइफ में कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी है, सुख दुख तो लगा रहता है दोस्तों, कभी सुख है तो कभी दुख है, और कहते हैं ना कभी सुख का टाइम ज़रूर आता है। तो आप लोग ऐसे निराश मत होइएगा कि हम लोग कैसे कर सकते हैं या क्या कुछ भी, क्या ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अगर आपके पास उम्मीद है और आप मतलब आप हिम्मत रखते हैं आगे बढ़ने का, तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों व्हीलचेयर वालों की लाइफ उतनी भी बेकार नहीं होती है और उतनी भी आसान नहीं होती है, पर जैसे लोग सोचते हैं कि बहुत मुश्किल से गुजरते हैं दिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों मैंने ये व्हीलचेयर ले रखी है, पहले मेरे पास नॉर्मल वाली व्हीलचेयर थी, तो उसके बाद मेरे को जैसे बाहर वगैरह जाने में दिक्कत होती थी, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये वाली व्हीलचेयर लेके आए, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मेरे लिए सारी सुविधा इस तरीके से कर रखी है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो और मतलब मुझे फिर काफ़ी दिक्कत नहीं होती है। बहुत से लोगों को दिक्कत होती होगी पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मुझे सारी सुविधा मिली हुई है। और इस व्हीलचेयर में मैं आराम से इधर उधर बाहर सड़क तक जा सकती हूँ नॉर्मली आराम से। और ये चार्जिंग वाली है, तो इसमें जो हाथ में सारा सिस्टम रहता है इसी से हम आगे पीछे सब कुछ मैं कभी इस व्हीलचेयर का आपको वीडियो शेयर करूँगी, तो इस तरीके से मैं इसमें इधर उधर चली जाती हूँ। अभी मैं नहा धो के यहाँ पर पूजा कर रही हूँ और पूजा वगैरह कर लूँगी, उसके बाद मैं चाय वगैरह बनाऊँगी। और यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और देखिए यहाँ पे मैं चाय रख दी है। और ये सर्दियों का टाइम चल रहा है आजकल, हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है सुबह शाम, तो अदरक वाली चाय बना रही हूँ। ननद तो चाय पीती नहीं है, थोड़ा मैं अपने लिए बना रही हूँ, थोड़ा बेटे के लिए बना रही हूँ, और उसको थोड़ा दूध में पत्ती लगा के दे देती हूँ, क्योंकि वो दूध तो पीता नहीं है, तो अदरक वगैरह डाल के तो अच्छी रहती है बच्चों के लिए। थोड़ी थोड़ी चाय ज़्यादा नहीं देती हूँ, पर थोड़ा थोड़ा सा उसको चाय दे देती हूँ। और यहाँ पर मैं ननद की हेल्प कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा जैसे प्याज कट करके दे रही हूँ उसको। आज आलू का परांठा बना रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे थोड़ा प्याज ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने सोचा प्याज को अलग रख देती हूँ, और मैंने कटोरी में अलग प्याज रख दी है। और ये मैं ये सब मसाले में मिक्स कर दूँगी, ये प्याज और इसमें मसाले मिक्स कर दूँगी, नमक मिर्च और धनिया पाउडर ये सब चीज़ डाल दिया है, हरा धनिया तो काट रखा है, हरी मिर्च नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चा खा नहीं पाता है, तो इसलिए हम हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। और यहाँ पे चाय बन गई है, यहाँ पे दूध डाल दिया है मैंने। और इन्होंने यहाँ पे कुछ बोल लिया था, मुझे हंसी आ गई थी। और यहाँ पे मैं बच्चे को तैयार कर रही हूँ, अनिक बोल रहा था नहीं मम्मा मैं खुद ही तैयार हो जाता हूँ, मैंने कहा नहीं बेटा मैं आपको तैयार कर दूँगी। तो छोटे छोटे काम ये भी खुद से कर लेता है,
और उतना परेशान नहीं करता है मुझे भी, तो मैं इसको यहाँ पे तैयार कर रही हूँ स्कूल के लिए। और इसने यहाँ पे कंघी छुपा दी थी, मैंने बोला नहीं लाओ बेटा मुझे कंघी करनी है आपके बालों में, और तब उसने मुझे कंघी दे दी थी। और यहाँ पे मैं इसको अभी सॉक्स वगैरह पहना दूँगी और इसको तैयार कर दूँगी स्कूल के लिए, जूते वगैरह पहना कर। आजकल थोड़ा लेट है तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, और यहाँ पे स्कूल जाने लगा है, बिल्कुल चला गया है स्कूल। और यहाँ पे थोड़ा बाहर पे गमले लगा रखे हैं हमने, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा पानी डाल रही हूँ पौधों में। यहाँ पे पास में ही नल है तो मैं वहाँ से जग में थोड़ा भर के उसी से डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके पानी। और यहाँ पे धूप आ चुकी है बाहर, देखिए एकदम अच्छी सी धूप खिली हुई है, यहाँ पे फूल भी लगे हुए हैं, फूल भी खिल गए हैं। और थोड़ी देर में बाहर धूप में ही रहूँगी, उसके बाद अंदर जाऊँगी। और थोड़ी देर में धूप में रही और इधर उधर थोड़ा घूम रही थी, थोड़ा धूप में रही तो मैंने सोचा 2 4 5 10 मिनट थोड़ा धूप में बैठ जाती हूँ, उसके बाद मैंने तब उसके बाद मैं अंदर जाऊँगी, उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह करूँगी। यहाँ पे मैंने अंदर बाहर जाने के लिए रैम बनाया हुआ, कभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी, शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता करने के बाद मैंने यहाँ पे मशीन लगा रही हूँ, ये फिजियोथेरेपी टेंस और प्लस MS मशीन है। मैं ये आधा घंटा सुबह लगाती हूँ, आधा घंटा शाम को लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में बिल्कुल भी सेंसेशन नहीं है। और यहाँ पे मैं वाइब्रेटर भी लगाऊंगी, आधा घंटा मशीन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे वाइब्रेटर लगाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए और आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ हौसला मिले